अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। रवांडा नेशनल पुलिस ऑफिसर्स के वफद का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा। मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ने वफद को इदारे की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। पंजाब पुलिस जिमनी इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुरअज़्म सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। 14 कौमी और सूबाई हलकों पर मुनक़दा जिमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी पर 35,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। पंजाब भर से गुज़श्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 82,523 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 4,749 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 51,175 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गईं। गुज़श्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5,010 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 778 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर का इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस कहना की पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई। बीवी को आग लगाकर कत्ल करने वाला इश्तिहारी मुलजिम बहन और बहनोई समेत गिरफ्तार। शाबाश गुजरात पुलिस, शाबाश थाना कुंजा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कत्ल की वारदात के बाद बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश करने वाला मुलजिम एयरपोर्ट से गिरफ्तार। सरगोधा थाना साहिवाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हवाई फायरिंग करने और गैर कानूनी असलहा रखने वाला अरसलान नामी मुलजिम गिरफ्तार। रवांडा नेशनल पुलिस ऑफिसर्स के वफद ने पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा किया। वफद में रवांडा नेशनल पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस और चीफ सुपरिटेंडेंट पुलिस शरीक थे। मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ने वफद को इदारे की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। ऑपरेशन कमांडर मोहम्मद शफीक ने वफद को सेफ सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया। वफद ने सेफ सिटी ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर से शहर की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। वफद को 15 एमरजेंसी हेल्पलाइन सिस्टम के जदीद फीचर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जदीद निजाम बारे भी बताया गया। वफद को AI बेस्ड ट्रैफिक वायोलेशन डिटेक्शन और असलहा की निशानदेही करने वाले सॉफ्टवेयर बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दौरे के अख्ताम पर वफद और पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के माबेन यादगारी शील्ड का तबादला भी किया गया। 21 अप्रैल को 14 कौमी और सूबाई हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मजमूई तौर पर 35,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। पोलिंग स्टेशन 2599 में से 419 इंतहाई हसास, 1081 हसास करार दिए गए हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि 40,44,000 से ज़ायद वोटर्स को हक़ राहदेही के लिए पुरअमन और महफूज माहौल फराहम करेंगे। 663 मर्दाना, 649 जनाना, 1289 ज्वाइंट पोलिंग स्टेशन इलेक्शन कमीशन के अमले को भरपूर सिक्योरिटी देंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस, सेफ सिटीज अथॉरिटी, इजला के कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग रूम से पोलिंग के अमल की मुसलसल निगरानी की जाएगी। IG पंजाब ने मजीद कहा कि खवातीन के पोलिंग स्टेशंस और बूथ पर खवातीन पुलिस अहलकार फ्रायसर अंजाम देंगी। इलेक्शन कमीशन के जाब्ता इखलाक दफा 144 असलहा की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस होगा। महकमे मौसमियात और सेफ सिटी स्मोक रेडार के मुताबिक मजमू तौर पर आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, देखिए इस खसूसी रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 119 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड 126, पंजाब यूनिवर्सिटी 118 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 120 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज का बाइस बन रही है, जिससे बचने के लिए हमें माहरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाव के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज आग न लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की इतला 15 पे दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। थाना कुंजा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इश्तिहारी मुजरिम इकराम नसीर को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम इकराम नसीर ने 2022 में थाना कुंजा गुजरात की हदूद में शहरी को फायरिंग करके कत्ल किया था। स्पेशल ऑपरेशन सेल की टीम गुज़श्ता 2 बरस से इश्तिहारी इकराम नसीर की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म अमल थी। इश्तिहारी मुजरिम इकराम नसीर का नाम एयरपोर्ट पर वॉच लिस्ट में भी शामिल था। स्पेशल ऑपरेशन सेल की टीम ने इश्तिहारी इकराम नसीर को हिरासत में लिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खतरनाक इश्तिहारियों को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने पर पुलिस टीम को शाबाश। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए मुलजिम को करार वाक़े सजा दिलवाने के भी अहकाम। पंजाब पुलिस रवां बरस बैरून ममालिक से 28 खतरनाक इश्तिहारियों को गिरफ्तार करके वतन वापस ला चुकी है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर ने कार्रवाई करते हुए बीवी को आग लगाकर कत्ल करने वाला इश्तिहारी मुलजिम बहन और बहनोई समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इश्तिहारी मुलजिमान में अकील, हफीज और तैयबा शामिल हैं।
गिरफ्तार मुलजिमान ने मिलकर मकतूला आयशा बीबी को आग लगाकर कत्ल कर दिया था। मुलजिमान को सीसीटीवी कैमरों और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूष मसूद की तरफ से पुलिस टीम के लिए नकद इनाम और तारीफी इस्नाद का भी ऐलान किया गया। सरगोधा थाना साहिवाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हवाई फायरिंग करने और गैर कानूनी असलहा रखने वाले मुलजिम अरसलान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी असलहा भी बरामद किया गया। मुलजिम के खिलाफ हवाई फायरिंग करने और गैर कानूनी असलहा रखने की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेज़।